अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शिवाना हबीब तरीन है। मैं तकरीबन 24 साल से पुलिस के महकमे में काम कर रही हूँ। मैंने पुलिस का महकमा बतौर ASI ज्वाइन किया। इसके बाद सिहला में ट्रेनिंग की, फिर सब इंस्पेक्टर अपर का कोर्स मैंने यहाँ पे PTC में किया और एडवांस का कोर्स भी मैंने PTC में किया। इस टाइम में मैं रिपोर्टिंग सेंटर में हूँ, एज ए इंचार्ज तैनात हूँ। यहाँ पे 28 थानों के जो कैदी हैं, लेडीज़ कैदी यहाँ पे लाए जाते हैं, और साथ ही हमने एक चाइल्ड यूनिट बनाया हुआ है जहाँ पे 18 साल से कम उम्र बच्चों को वहाँ पे रखा जाता है। यहाँ पे तमाम लेडी स्टाफ, जितने भी लेडी स्टाफ मेरे साथ हैं, जो लेडीज़ कैदी आती हैं, उनके बाकायदा उनको यहाँ पे उनको खाने पीने का इंतजाम और उनसे तफ्तीश की जाती है। जिस थाने की भी लेडीज़ हो उसकी तफ्तीश यहाँ पर की जाती है, क्योंकि हमारे पास अलग से पुलिस स्टेशन नहीं है, तो किसी भी लेडीज़ को किसी भी थाने में कैदियों को नहीं रखा जाता है। तमाम कैदियों को रिपोर्टिंग सेंटर में रखा जाता है और जो तफ्तीशी होते हैं हमारे सामने आकर तफ्तीश करते हैं और यहाँ से तफ्तीश मुकम्मल करके अपने जाते हैं। यहाँ पर जब मैं पहुँची हूँ, जब मैं शुरू में आई थी तो मुझे काफ़ी मुश्किल का सामना था, क्योंकि वहाँ इस टाइम पर बहुत कम लेडीज़ पुलिस महकमे में थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेरे अफसरान ने मेरे साथ बहुत तआवुन किया, हर जगह पर मेरी रहनुमाई की है। मैं कहती हूँ कि जब आप अगर पुलिस का महकमा ज्वाइन कर लें, हमारे बाकी जो फीमेल लेडीज़ घर में हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। एक तो उनको तहफ़ुज़ भी हासिल हो जाएगा, तो सही महकमा भी बहुत अच्छा है। इसमें काम की बहुत सारी सहूलियात मौजूद हैं और मैं फ़ख्र से कहती हूँ कि पुलिस का महकमा एक ऐसा महकमा है जिसमें हर लेडीज़ आने के बाद अपने आप को महफूज तसव्वुर करेगी। हमारी लेडीज़ स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती हैं, अभी तीर कमान का हमारा एक उनका चल रहा सेक्शन, तो कराची में इनका होगा प्रोग्राम, तो वहाँ भी जाएंगी। हॉकी, क्रिकेट सब में हमारी पुलिस स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रही लेडीज़ और हमेशा लेती और लेती आ रही हैं। काफ़ी तआवुन कर रही हैं लोग हमारे साथ, जो हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे इनकी तआवुन से हम लोग आगे जा रहे हैं। इनके तमाम जो भी हमारे होते हैं, जो किसी किस्म का मसला होता है, तो हम अपने अफसाने बाला को बताते हैं, वो आगे हमारी बात चलाते हैं, तो तमाम मसले हल हो रहे हैं। कबायली में सूबे में सबसे ज़्यादा उनको ये सहूलत हासिल है कि यहाँ पे औरत का इज्जत बहुत दी जाती है खवातीन को। खवातीन चाहे पुलिस में हो, चाहे टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, बलूचिस्तान में उनको बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है और मज़ीद उनको तालीम हासिल करनी चाहिए। आजकल महंगाई का दौर है, उनको अपने घर वालों के साथ कदम बा कदम मिला के चलना चाहिए। मेरे ख्याल में लेडीज़ को ज़रूर आना चाहिए। मेरे ख्याल में बलूचिस्तान की लड़कियों में जितनी कबायली लड़कियों ने तरक्की की है, इतनी बहुत कम तरक्की बाकी लेडीज़ की नस्बत सब पंजाबी हैं, जिससे नस्बत कबायली लड़कियाँ बहुत आगे जा रही हैं। देखिए आप, हज़ारा लड़कियाँ हो गई हैं, बलोच लड़कियाँ हो गई हैं और पठान लड़कियाँ हो गई हैं, माशाल्लाह ज़्यादा तालीम हासिल कर रही हैं और हर बड़ी सीट पर आपको ये लड़कियाँ नज़र आएंगी काम करते हुए। यानी उनको ये मौके मैसर आ रहे हैं, घर वाले उनको छोड़ तो आ रहे हैं ना। असद बतूल की मिसाल हमारे सामने हैं, सनिया साफ़ी की मिसाल हमारे सामने हैं, निदा काजमी की मिसाल हमारे सामने हैं। इस तमाम लेडीज़ हैं और तमाम एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं अपने अपने महकमे में। हमारे साथ NGOs में UN वुमेन वालों ने बेतहाशा तआवुन किया है। उन्होंने हमारे बच्चों के लिए बिस्तर, दवाइयाँ, कुर्सियाँ, कमरे में, चाइल्ड यूनिट में UN वुमेन वालों ने दिया हमें। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे साथ हर जगह पर तआवुन करते हैं। देखिए, तशद्दुद के वाकयात जो ख़वातीन के साथ हैं, एक तालीमी कमी आप कह सकते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ केसेस आते हैं, हमारे पास अपना FIR हम दर्ज नहीं कर सकते। हम लोग 28 थाने के जो कैदी हैं, लेडीज़ कैदी, उनको यहाँ पे रखते हैं। हर किस्म के कैदी, 302 के भी कैदी आते हैं, चोरी करने वाले भी कैदी आते हैं, हर किस्म कैदी हमारे पास आते हैं। आप एक पर्दे में रहकर अपने हक में रहकर नौकरी करें, मेरे ख्याल जॉब करना बुरी बात नहीं है। अभी आपके सामने है दुपट्टा, हमारे सरों पर है शलवार कमीज, हमारे यूनिफॉर्म है। आप जो भी मर्द आते हैं, हम बिल्कुल आजाना तो आए, बातचीत करें। आप एक हद में लेकर अगर खवातीन काम करेंगी तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान पे उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं लेडी कांस्टेबलों में बहुत सी लेडी कांस्टेबलें ऐसी हैं जिन्हें बहुत अच्छे काम कर रही हैं। मैं ट्रैफिक में थी, मेरा काम बहुत बेस्ट काम था। मैं खुद कहती हूँ, ये नहीं कि कोई दूसरा कहेगा, जो मैं काम कर रही थी वहाँ पर मर्द काम नहीं कर रहे थे। जिस पर वो कहते हैं औरतों के काम कर सकती है, हम नहीं कर सकते, ऐसे लोग भी ये बात ही कहते थे कि शिबाना काम बहुत बेस्ट काम है, जिससे हमारे बहुत से अफसरानों तो को ये बात अच्छी नहीं लगी मेरे। और जो हमारे आला अफसरान हैं उनको, उन्होंने मेरे काम को बहुत पसंद किया। जो थोड़े से नीचे तबके के थे अफसर, उनको मेरा काम अच्छा नहीं लगा। ये आपको मैं रिकॉर्ड पर बताती हूँ कि आदमियों को, कुछ आदमियों को लेडी से काम करना अच्छा नहीं लगता है।
वो नहीं चाहते कि लेडीज आगे जाए या उन पर हुक्मरानी करे। ये उनकी सोच है, उनकी तरबियत का कुछ हिस्सा ऐसा होगा कि उनको लेडीज कबूल नहीं है। मैंने कुछ मर्दों के बारे में कहा, कुछ के बारे में। मैं तमाम लेडीज को सिर्फ यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप आए जॉब करें। जॉब करना बुरी बात नहीं है। अगर आप लोग एक हद में जॉब करेंगे तो घर वाला भी आपके साथ देंगे और माशरे वाले भी आपके साथ देंगे। लेकिन बात वही है कि हद में रहना ज़रूरी है। बस आप लोग को ये माशरा बुरा नहीं है, हम माशरे खुद अच्छा बुरा बनाते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से काम करेंगे इंशाल्लाह माशरा भी आपका साथ देगा और तमाम आवाम भी आपके साथ हैं।